नमस्कार, साधन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। वही बात करें, आज भोपाल में भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चे की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। बैठक में अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की पैठ बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि SC ST के कार्यकर्ताओं की बैठक में पार्टी को मजबूत करने और संगठनात्मक विस्तार पर बातचीत हुई। पार्टी सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने इस बैठक में चुनिंदा नेताओं को ही बुलाया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट और पूर्व मंत्री इमरती देवी भी इस बैठक में मौजूद रही। भाजपा सूत्रों का कहना है कि निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्तियां करने की तैयारी है। वहीं मंत्रियों को जिले का प्रभार भी जल्द ही बांट दिया जाएगा। नेतृत्व की स्थापना के लिए भी इस पर चर्चा हम सब लोगों ने मिलकर के की है और समाज के सामने, अनुसूचित जाति समाज के सामने उपस्थित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक और रोजगार से मुद्दों पर इससे जुड़े हुए मुद्दों पर जो चर्चा है, उन सारी बातों पर, उन चुनौतियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के आज हमारे प्रदेश के प्रभारी, अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैलाश जी, लाल सिंह जी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमें गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश के हमारे नेता आज पूरे देश के अनुसूचित जाति वर्ग का, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इस पर चर्चा की है तो इन चुनौतियों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी के अपने काम के बल पर हम लोग कैसे देंगे, इन सारे मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता अमीन बेग जुड़ चुके हैं। अमीन, कल कार्य समिति की बैठक हुई लेकिन आज अचानक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये बैठक बीजेपी कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कुछ चुनिंदा नेता ही इस बैठक में शामिल हुए। चूंकि बैठक खत्म हो गई है तो ताजा जानकारी क्या कुछ है? देखिए बिल्कुल प्रशिता, बैठक खत्म हो गई है और बैठक का जो लब्बुलवाब है वो यही है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे साधा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब बीजेपी को आने वाले कुछ समय में चुनाव लड़ना है, तो ऐसी परिस्थितियों में सभी को साधना बहुत जरूरी है, खासतौर पर अनुसूचित और जनजाति और जनजाति। इसलिए बीजेपी ने तय किया है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनके आर्थिक हित हों, या फिर रोजगार से जुड़े हुए मामले हों, जमीन से जुड़े हुए मामले हों, या फिर और भी दूसरे ऐसे मामले हों जो उनको दिए जाते हैं, तो उसको कैसे उनका इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे नीचे स्तर पर तमाम योजनाओं का फायदा उनको मिले, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक में जो संगठन है उसको कैसे और विस्तारित किया जाए, इस पर बात हुई। अमीन, जिस तरह से कल ही कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, कई घंटों तक वो बैठक चली, वही अचानक इस बैठक का आयोजन किया गया, रात में ही मंत्रियों को सूचना दी गई इस बैठक की, तो कई तरह के सवाल ये खड़े करती है। देखिए बिल्कुल, जो फीडबैक जो मिला है बीजेपी को, क्योंकि देखिए बीजेपी हमेशा फीडबैक लेती है, फीडबैक ड्रिंक है उसकी, हर जिले से हर जगह से उसको फीडबैक मिलता है, और जो फीडबैक संगठन को मिला है और जो केंद्रीय नेतृत्व तक जो फीडबैक गया वो यही गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा छिटका है। ऐसे में वापस उसको पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर प्रदेश के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते दिल्ली में थे लेकिन आज सुबह ही वो भोपाल पहुंचे और इस बैठक में शामिल हुए। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो योजनाएं चल रही हैं उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो और क्या कुछ नया किया जा सकता है, वो तमाम चीजें इस बैठक के अंदर चर्चा में शामिल हुई। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति और जनजाति को लेकर बड़े कार्यक्रम भी सरकार लेवल पर हमको दिखाई देंगे। अमीन, भाजपा सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आया कि कुछ ही चुनिंदा नेता को इस बैठक में शामिल किया गया था। वहीं सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और इमरती देवी भी पहली बार इस बैठक में शामिल हुई। देखिए बिल्कुल, कोविड गाइडलाइनों का पालन करते हुए कुछ चुनिंदा जो मोर्चों से जुड़े हुए जो लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया था। इमरती देवी इसमें शामिल हुई थी। दरअसल कल भी हमने देखा था कि कोशिश यही की गई थी बीजेपी की तरफ से कि कोविड की गाइडलाइनों का पालन हो, हालांकि ऐसा हुआ नहीं,
भीड़ भड़का वहाँ भी देखने को मिला, लेकिन आज कम ही लोग वहाँ पर मौजूद थे। मोर्चों से जुड़े हुए लोग थे और जिन लोगों को आगे काम करना है वो लोग इसके अंदर शामिल थे। तो ऐसी बैठकें आगे भी हमको देखने को मिलेंगी, भले ही आज मोर्चे की बैठक हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब कोविड का जो हाल है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी जो है वो बैठकों को और बड़ी संख्या में करेगी। और जैसा कि सभी जानते हैं कि बीजेपी अपनी बैठकों के लिए जानी जाती है, वो हर मोर्चे की बैठक होती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी मोर्चों की बैठक हमें दिखाई देगी। ये भी चर्चा है कि निगम मंडलों को भी नियुक्तियां होनी है और वहीं अब जल्द ही बीजेपी जिले बांट देगी मंत्रियों को। देखिए बिल्कुल, ये तमाम चीजें एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडर प्रोसेस हैं। कुछ इश्यूज जरूर हैं चीजों को लेकर, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट बीडी शर्मा इसको कर लेंगे। कार समिति में भी कई सारे इश्यूज थे जिनको सॉर्ट आउट करने के बाद एक लंबी चौड़ी कार समिति की वो जारी की गई। मीडिया को लेकर एक लिस्ट जारी होना है, पैनलिस्ट और प्रवक्ताओं को लेकर, इसके अलावा निगम मंडलों को लेकर भी चर्चाओं का दौर इस समय चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिंधिया आने के बाद जो बीजेपी सरकार में आई है वो चलिए अमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे की बीजेपी ने बैठक आयोजित की थी जिसमें कुछ नेता शामिल हुए थे। मारुति देवी और मंत्री सिलावट भी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस वर्ग में बीजेपी अपनी पार्टी की पैठ कैसे बनाए इस पर चर्चा की गई। लोगों तक कैसे सरकार की जो योजना है जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचाई जाए उस पर भी चर्चाएं की गई।